मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज करना मैंने आज पूजा वाली जगह साफ़ करनी है पूरी, कल करनी थी बट हो नहीं पाई, आज कर दूँगी। और पूरा साफ़ सफाई करके उसके बाद इनके जो वस्त्र है वो चेंज करने हैं, मैंने दो दूँगी वस्त्र। कल साथ में थर्सडे भी था फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने नहीं की, नहीं तो कपड़े जो है इनके वो वस्त्र जो कल नहीं धुल पाते, तो इसलिए आज मैं करके सफाई इनके वस्त्र जो है वो थोड़ी देर के बाद धो दूँगी ताकि सूख जाएँ। और भी हैं वो डलवा दूँगी और जो निकाले हैं वो धो के रख दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, वॉच टाइम फुल वॉच करना फ्रेंड्स, प्लीज़। बस फ्रेंड्स, अभी ये सारा करके जो भी करूँगी आपको बता दूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर से। यहीं से मैं व्लॉग शुरू करूँगी फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे एंड कर दूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाना और मुझे और भी काम है थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहना मेरे साथ। फ्रेंड्स, ये है हमारे कान्हा जी जो कि मैंने अपने घर में विराजमान किए हैं, काफ़ी साल से ही हमारे घर में है फ्रेंड्स। आज मैं मिलवा रही हूँ आपको, बहुत देर पहले मिलवाया था मैंने और आज फिर से मिलवा रही हूँ। आज क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ी मंदिर की, वैसे तो रोज़ ही थोड़ी थोड़ी होती है बट डीप क्लीनिंग जो है वो आपको पता ही है थोड़े दिन के बाद ही होती है। तो सारा सामान मैंने एक रेड कपड़ा बिछा लिया था, मेरा ही दुपट्टा है फ्रेंड्स साफ़ सुथरा, तो मैंने वो बिछा लिया था, उसके ऊपर जो सारा सामान है वो रख रही हूँ। ये फ्रेंड्स, ये बहुत पुरानी स्नैप है जो घर में पड़ी हुई है कान्हा जी की, और बहुत सारी किताबें थी बट वो मैंने जल प्रवाह कर दिया था फ्रेंड्स। ये देखिए भैरव लक्ष्मी, ये मैं बावे गई थी वहाँ पे, मुझे दी थी किसी ने। ये देखिए कान्हा जी के नए वस्त्र पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, हम पहले कहीं पे भी जाते थे ना, कई लोगों की आदत होती है वहाँ से नए स्वरूप लेके आना घर पे, बट आपको पता है पूजा नहीं होती इतने स्वरूपों की, और मैंने बहुत सारे स्वरूप जो है वो मंदिर में छोड़ दिए थे किसी मंदिर में। अब जो छोटे छोटे हैं वही रखे हुए हैं घर पे क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं मेरे घर में, तो इसीलिए उतनी रखो स्वरूप घर पे जितने आप पूजा कर सको। तो यहाँ पे मैंने टाइल रखी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये टाइल्स जो है रखी क्योंकि यहाँ पे एक बार आग लग गई थी और पूरा मंदिर जो है वो ख़राब हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि दिया मैंने जो है वो लकड़ी पे रखा हुआ था, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं जल से, गंगा जल से थोड़ी साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद अच्छे से बिछा देती हूँ टाइल्स, फिर रख दूँगी मैं पूरे स्वरूप और जोत जला दूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने सारे स्वरूप साफ़ कर दिए, अच्छे से क्लीन कर दिए गंगा जल और कॉटन से किए हैं मैंने, कपड़े वगैरह कर दिए थे इनके चेंज सबके। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहना मेरे साथ, क्लीनिंग होगी हमारी अच्छे से सब स्वरूपों की। और हार मैंने उतार के रख दिए हैं, ये देखिए हार। तो ये फ्रेंड्स मेरे घर में दो स्वरूप हैं गुरु जी के, मैं बताऊँगी आपको मैंने दो क्यों रखे हुए हैं, ये भी इसका रीज़न है, मैं बाद में बताऊँगी फिर कभी आपको। तो कान्हा जी के वस्त्र चेंज करने हैं मैंने अभी, तो ये जो मैंने पाइपिंग सी लगाई हुई है ये आपने देखी होगी, तो ये मैंने लगाई है इनको झूला देने के लिए। और यहाँ पे देखिए सामान सारा कान्हा जी का नया है, ये चेंज करेंगे इसको और ये वाले वस्त्र डालेंगे फ्रेंड्स। ये सारा सामान इनका रख दिया मैंने, और बस इसी तरह से फ्रेंड्स मंदिर की थोड़ी सफाई वगैरह भी हो गई, अच्छे से कपड़े क्लीन हो गए, अब मैंने धोने हैं वो कपड़े ना, धो के रख दूँगी और बाकी सबको नए डाल देंगे। और ये हार मैंने पता नहीं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से हार ले ही आती हूँ, और भी थे और भी हैं वैसे, कुछ मैंने जल प्रवाह कर दिए थे, बीच बीच में ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स सारे ना। और ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर, बहुत दिल करता मेरा ऐसे हार ख़रीदने का ना, तो जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ या कभी कोई दिन त्यौहार होता है तो मैं ज़रूर शॉपिंग करती हूँ प्रभु के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर ले कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है सारे कपड़े, ये छोटे छोटे गमले भी रखे हुए थे वो भी धो दूँगी, तो आज सारी क्लीनिंग हो जाएगी।
ये देखिए मैंने बांध दिया था सारा रेड, जितने भी कपड़े उतरे थे ये सब धोने वाले हैं। दिखते नहीं है फ्रेंड्स बट धोने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही जोत वगैरह जलती है, जब धूप वगैरह जलाओ तो हो ही जाते हैं गंदे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सामने गुथली पड़ी हुई है धोने वाली, और जो जला देती हूँ मैं अभी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको कल नए व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, बाय, और फुल वॉच करना।